हम लोग चाहते हैं कि अगर ऊपर में अधूरा जो रूम है वो बन जाए तो अधिकतर अच्छा होगा। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया है और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खगड़िया से 20 किलोमीटर की दूरी पर अलौली प्रखंड के रामपुर मध्य विद्यालय अलौली में। जमीनी हकीकत देखकर आप चौंक जाएंगे कि जहां नीतीश कुमार तमाम वो दावे करते हैं कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की, तो जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बच्चे भारी संख्या में हैं, 400-450 बच्चे हैं या मध्य विद्यालय है, एक क्लास से लेकर के 8 क्लास तक की विद्यालय है और रूम मात्र यहाँ पर 4 से 5 ही रूम है और 2 रूम तो ऐसे भी हैं जो अधूरे हैं, जो अभी तक प्लास्टर नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या वजह है वो HM ही बताए, वो शिक्षा विभाग ही बताए, लेकिन स्टूडेंट से बात करके यह उनके दर्द से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बैठने में कितनी परेशानी होती है, कड़ाके की ठंड में जब वो फर्श पर बैठते हैं तो उनके तकलीफ को कोई सुनने वाला है नहीं फिलहाल, इनका कहना है। लेकिन यहाँ के शिक्षकों से जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब लगे हुए हैं मजबूरी बस जो है ना पढ़ाते हैं, घेरा है, उस घेरा के अंदर पढ़ा रहे हैं। ये हाँ सर, इस अभाव को जो है ना वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया गया HM के द्वारा कि हमारे यहाँ बिल्डिंग का अभाव है, तो अभाव है तो हम लोग कभी ज्वाइंट क्लास चलाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि अगर ऊपर में अधूरा जो रूम है वो बन जाए तो अधिकतर अच्छा होगा। और ऐसे क्या दिक्कत है? ऐसे वहाँ बैठने में नहीं होता, इधर पढ़ाई भी नहीं होता है। जमीन पर बैठना पड़ता है क्या? हाँ, जमीन पर बैठना पड़ता है। क्या नाम हुआ आपका? सुप्रिया। किस क्लास में? लोग को छत पर जो रूम नहीं बना है ना, इसीलिए दिक्कत होता है, हम लोग को पूर्ति कर दीजिए। सर, जब ज़्यादा बच्चा आता है तो नीचे बैठना पड़ता है बच्चे को और पढ़ाई भी थोड़ा डिसमिस हो जाता है, इसलिए ऊपर बन जाएगा तो ज़्यादा पढ़ाई होगा। क्या मांग से? यही कि ऊपर वाला छत बन जाए सर। और उसमें क्लास चालू? जी सर। रूम का अभाव है सर, बच्चे के सापेक्ष जो है रूम का अभाव, रूम की कमी है, इसलिए जो है मजबूरी में अभी धूप थोड़ा है इस लेकर के बाहर पढ़ाते, नहीं तो बरामदे में नीचे में पढ़ाते हैं। कितने बच्चे कुल नामांकित हैं? आपके विद्यालय का क्या नाम है? मेरे विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय रामपुर अलौली है जी। बच्चे कितने हैं? बच्चे 465 हैं। क्या बनाइएगा दिल्ली में, दिल्ली को बिहार किस में बनाइएगा? शिक्षा के मामले में आपने जो शिक्षा इस बिहार में सरकारी विद्यालय को अपने एक तरफ आदरणीय लालू यादव जी चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे और चरवाहों को विद्यालय में पढ़ने की बात करते थे, आपने जो बना बनाया हुआ था सरकारी विद्यालय आपका, उसको आपने चरवाहा विद्यालय बना दिया है नीतीश बाबू। क्या दिल्ली के हर जो जितने अच्छे तरीके से केजरीवाल जी की सरकार वहाँ बनाई है, जो सरकारी विद्यालय को प्राइवेट विद्यालय से अधिक सुविधा दिया है, उससे अच्छी पढ़ाई दिया है, क्या उसको बर्बाद करके यहाँ चरवाहा विद्यालय बनवा दीजिएगा? किसका क्या करना चाहते हैं नीतीश बाबू? यदि शिक्षा की बात करना चाहते हैं तो आपके शिक्षा का यह हालात है, बिहार के भी बच्चे जो PG किए हुए हैं और उसे उसके स्तर की अब जानकारी नहीं मिल पाती है, और जो जानकारी जिसके पास जानकारी होती है उसे आपके यहाँ बेरोजगार रखा जाता है। क्या नीतीश कुमार जी आप का जो शासन काल है, शिक्षित बेरोजगार यहाँ पर जो बहुतायत है, टैलेंटेड जो शिक्षाविद है वो बेरोजगार है, क्या दिल्ली में भी यही बेरोजगार बना के रखना चाहते हैं? सोना एवं चांदियों का हॉलमार्क जेवर का शोरूम, पता न्यू गोपाल ज्वेलर्स, थाना रोड, खगड़िया।